लेकिन आज लगभग सब काम पूरा हो गया है और जहाँ कहीं भी घाट बनना है उसके बारे में पूरी तैयारी है और जहाँ कहीं भी नहीं बन सकता है उसके लिए लोगों को भी सतर्क कर दिया जाएगा, वहाँ पर घाट नहीं बनेगा। लेकिन अब काफ़ी अच्छी संख्या में हो गया है, तो आज देख करके इससे हमको हम लोगों को संतोष हुआ है। सब लोगों ने बहुत मेहनत किया है, उसका जो बचा हुआ काम है उसको तत्काल मेरे हिसाब से वो कर ही लेंगे। आज रात में दलदल है सर, कई घाटों में दलदल की स्थिति बनी हुई है। नहीं, वो जो पड़नी इसलिए दो तीन घाट तो आगे इसलिए रुकना पड़ा है, बाकी जगह बालू लगाया गया और कई जगहों पर बालू लगाया गया। कई प्रकार से जो कुछ भी किया जा सकता है वो किया गया है, अब सब लोगों के लिए सुविधाजनक हो। इलेक्शन से आप संतुष्ट हैं? जिला प्रशासन जो व्यवस्था उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, बहुत अच्छा है, हम इससे संतुष्ट हैं। इसलिए तो तीन बार आके हम लोगों को जितना बार जो सुझाव देना था दिया है, इसलिए आज अंत में देखे हैं तो आज बिल्कुल सेटिस्फेक्शन है हम लोग बात करें संतुष्ट। क्या कितना संतुष्ट है सर आप? नहीं देखिए, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पटना स्थित जो गंगा घाट हैं उसका निरीक्षण किया है और इस बार के निरीक्षण में जो अंतिम रूप दिया गया है छठ घाटों का, खास करके सरकार की जो जिम्मेदारी है जान माल की रक्षा करना, बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना जो हमारी प्राथमिकता है, उस प्राथमिकता को हम सबों ने ध्यान में रखा है और वो सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पर अब दिख भी रही है। आपने देखा होगा कि हमने लगातार सभी घाटों पर बांस बल्ले की ब्रैकेटिंग की है कि हमारे जो श्रद्धालु हैं उनके परिवार के सदस्य हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो गहरे पानी में नहीं जाएं, इसका हम सबों ने ध्यान रखा है। दूसरा क्या कि हमारी जो माताएं बहनें हैं जो छठ व्रत करती हैं उनके लिए एक चेंज रूम भी बनाया गया है कि स्नान के बाद उन्हें कपड़ा बदलने में कोई असुविधा नहीं हो। हम सबों ने जगह जगह वाच टावर का भी अधिष्ठापन किया है, वहाँ हमारे पुलिस के जवान रहेंगे जो निगरानी करेंगे कि पानी में या गंगा की नदी में कोई अप्रिय कुछ घटना होने की संभावना हो तो सचेत करेंगे। NDRF SDRF के तमाम हमारे गोताखोर लगातार गश्ती करेंगे और जगह जगह उन्हें हम सब डिप्लॉय भी किया है और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था और जो छठ घाट है उससे मुख्य सड़क का जो संपर्क पथ है उसको भी हम सबों ने बेहतर करने का देखिए। आपने देखा होगा कि धीरे धीरे पानी नीचे उतर रहा है और जो ग्रेजुअली पानी नीचे उतरने का जो स्केल है वो कम है, तो वो दलदल की स्थिति बनी है, उस पर हम सब बालू देकर उसे आवागमन के लायक बना रहे हैं। कई घाटों में दलदल है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार घाटों का निरीक्षण करते रहे और आज मुझे लगता है तीसरी बार वो घाटों का निरीक्षण कर रहे थे। पटना सिटी के 3-4 घाट खतरनाक घोषित किए गए हैं, चूँकि वहाँ जो दलदल है वो बालू बिछाने के बाद भी वो दलदल ठीक नहीं हो सकता है, इसलिए उसको खतरनाक घोषित किया गया है। लेकिन जहाँ थोड़ी भी संभावना थी वहाँ बड़े पैमाने पर बालू बिछा करके उस दलदल को समाप्त करके लोगों के आने जाने का मार्ग प्रशस्त किया गया है।